शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गहना वही कहना जिसकी इज्जत तुम सरेआम लूटना चाहते थे, वही कहना जिसके पिता को तुमने पूरे गांव के सामने गोली मार दी थी, लड़कियों की इज्जत से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे, अब तेरी इज्जत का जनाजा हम इस पूरे शहर के सामने निकालेंगे। गौरव, गौरव छोड़ दो, गौरव 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 पागल हो गए, छोड़ो उसे। ये तो मर गया साहब, हम तुम्हें इस आदमी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। हथकड़ी पहनाओ। खून की सजा तो फांसी पक्की होगी। नहीं! Thank you.
क्यों चिल्ला रही हो? कछु नहीं मेम साहब। और ये क्या नया नाटक है? घर में घूंघट लेके क्यों घूम रही हो तुम? मेम साहब, हमारे गांव में रिवाज है, वो जब भी घर में कोई मेहमान आ जाता है ना, तो घर की औरतें घूंघट ओढ़ लेती। तुम और तुम्हारे दक्यानुसी रिवाज, जाओ अपना काम करो। आइए तेज प्रताप जी, आपके रहने का इंतजाम अपने घर में ही किया है मैंने। तेजा यही रुकेगा? गांव के सामने तेजा ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला था, हमसे हमारे बापू भी छीन लिए। अगर हम घुट घुट के जी रहे हैं ना, तो इसको भी चैन की नींद नसीब ना ही होने देंगे हम। इसने हमारी किस्मत की लकीरें बदली है ना, तो अब हम ही इसके आगे की तकदीर लिखेंगे। आप हमारे साथ हुआ है ना, तो अब इसकी सजा भी हम ही देंगे। तेजा, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर, क्योंकि अभी गहना काल की तरह तुम्हारे सिर पर मंडराने वाली है। भोलेनाथ, कागज अब ढा दिए आप, अपने फिर एक बार उतेजा को हमारी दहलीज पर भेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार वो आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन अब उसका भविष्य हम लिखेंगे। आपका बस साथ चाहिए, जैसे असुरों का नाश करने के आपने हमेशा शक्ति का साथ दिया, बिल्कुल वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तेजा को बर्बाद करने का ठान तो लिए है, लेकिन उस रास्ते पर अपना पहला कदम किस दिशा में बढ़ाए ना, इसका एक संकेत दे दीजिए हमका भोलेना। बस इतनी मदद कर दीजिए हमारी। बस इतनी मदद। प्रसाद, अच्छा गहना, कल माता रानी का पाठ रखा है घर में, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। माता रानी का पाठ? हाँ, हम ये पाठ हर साल रखते हैं, बहुत भव्य आयोजन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। पाठ में सभी शक्तिशाली देवियों के वर्णन होते हैं, जिन्होंने बुराई का नाश करके अच्छाई पर जीत हासिल की है। धन्यवाद भोलेनाथ, हम आपका इशारा समझ गए। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।